हेलो सो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एआई या फिर टाइप्स ऑफ डिफरेंट एआई तो सबसे पहले बात करेंगे वीक एआई से जिसको नैरो एआई भी बोला जाता है सो so, पहली चीज़ तो आप यहीं लिख लो कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज नैरो एआई होता है क्या ये इट इज़ एबल टू परफॉर्म डेडिकेटेड टास्क विद इंटेलिजेंस कि डेडिकेटेड टास्क जिसके लिए सिखाया गया वही टास्क इंटेलिजेंस से परफॉर्म करेगा बट इट कांट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड और लिमिटेशंस अपनी हद से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता अपनी डोमेन नॉलेज से ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता है ठीक है एंड इट इज नॉट कंसर्नड हाउ द टास्क आर परफॉर्म्ड बट इट इज़ कंसर्नड विद द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी सो इसमें आप लिख सकते हो नॉट कंसर्नड विद हाउ कैसे हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बट कितनी एफिशिएंसी से हो रहे हैं उससे फर्क पड़ता है इसको सो so, कुछ एडवा कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे इसके सबसे पहला फ्लाइंग आ मशीन उसको सिखा दिया मशीन फ्लाई करना तो फ्लाई करेगा मशीन को ठीक है देन यूजिंग लॉजिक्स सिंपल लॉजिक्स को यूज़ करेगा ज़्यादा अपना कुछ और नहीं करेगा सिर्फ इतना ही काम करेगा प्री डिफाइंड सिस्टम्स होते हैं प्री डिफाइंड रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं जैसे कि एप्पल सीरी अब एप्पल सिटी क्या है जितना एप्पल ने उसके अंदर अपनी इंटेलिजेंस डाली है जितने उसको रेंज ऑफ फंक्शंस बताए हैं वो उतने में ही काम करेगा देन प्लेइंग चेस इसका एग्जांपल हो सकता है कि अगर एक मशीन को चेस खेलना सिखा दिया तो सिर्फ चेस खेलेगी और कोई कुछ नहीं करेगी ऐसा नहीं कि कार ड्राइव कार ड्राइव करना शुरू कर देगी सो ये कुछ एडवा एग्जाम्पल्स हैं वीक ए के सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग ए आई जिसको हम जनरल ए आई भी बोलते हैं इट इज़ द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन्स डेट सिमुलेट ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क सो बेसिकली इसमें मशीन बना रहे हैं जो ह्यूमन की तरह काम कर सके ह्यूमन की तरह सोच सके इंटेलेक्चुअल हो ह्यूमन की तरह और उसकी एफिशेंसी भी एक ह्यूमन की ही तरह हो ठीक है सो बेसिकली इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ मशीन दैट सिमुलेट द ह्यूमन माइंड टू परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क इतना इजी नहीं है अभी इसमें रिसर्च चल रही है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ह्यूमन को रिप्लेस करने वाला कुछ बना दिया गया है सो करेंटली देर इज नो सच सिस्टम एग्जिस्ट बट इसके अंदर हम कुछ कह सकते हैं जैसे कि बोरोइंग आइडियाज फॉम साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस ये काम कैसे कर रहा है वो उतारू मैं आपको ये बोरो कर रहा है आइडियाज को फ्रॉम साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस क्योंकि ह्यूमन को रेप्लीकेट करना है ह्यूमन की इंटेलिजेंस को रेप्लीकेट करना है बेसिकली तो इन दोनों फील्ड्स में से इसका यूज़ किया जा रहा है देन अ सेकेंड इज इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल आइडियाज इन फॉरगोटिंग की कोई चीज़ें फॉरगेट कर जाता है ह्यूमन लैंग्वेज को समझना जेनेटिक्स को समझना सो so बेसिकली इन सबको भी ध्यान में रखा जा रहा है फॉरगेटिंग थिंग्स देन जेनेटिक्स जो ह्यूमन जेनेटिक्स होता है उसको समझना लैंग्वेज अंडरस्टेंडिंग सो अगर आप ह्यूमन की तरह बना रहे हो तो ह्यूमन की कमियाँ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी देन द फाइनल इज इवोल्यूशनरी नाउ इट इज़ द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ मशीन्स डेट सिम्युलेट सिंपल क्रिएचर्स एंड अटेम्प्ट टू इवॉल्व कि सिंपल क्रिएचर्स को सीखना और उनसे इवॉल्व करना जैसे कि एंट्स बहुत सारे एलब्रिदम्स हैं जो एंट बी इन सब के ऊपर बने हुए हैं so, सो वो होता है आपका इवोल्यूशनरी ए आई नाउ देर इज वन सुपर ए आई ऑल्सो जो कि एक तरह से अभी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है सुपर ए आई सो वी कैन से इट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट अभी सोचा जा रहा है कि ऐसा कुछ बना सकते हैं अभी यही नहीं है स्ट्रांग या फिर जनरल ए आई तो सुपर ए आई की तो बात करना थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना इसमें क्या है कि इसमें ऐसी मशीन बनाई जाएंगी जो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर होंगी इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड ऑल द अदर ह्यूमन एक्सपेक्ट्स सो बेसिकली अगर आप कह सकते हो कि अगर एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट करना शुरू कर दे जैसे कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी थी कि कहीं पे रिसर्च चल रही थी जहाँ पे दो मशीनस ने आपस में कम्युनिकेशन ही शुरू कर दिया था अपनी एक ओन लैंग्वेज क्रिएट कर दी थी तो उसको हम बोलेंगे सुपर एआई सो so, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कभी कभी न्यूज आती है कि बन रहा है नहीं बना बट अभी इसका कुछ एज सच प्रूफ नहीं है कि इसको बना लिया गया सो दीज आर सम ऑफ दी क्लासीफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ए सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच टूटोरियल्स थैंक यू